यहाँ से है जी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस नाउ हाँ जी, और फाइनली वी आर अराइव्ड आवर डेस्टिनेशन शबाजपुर पुल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी एक तकरीब में कहा था कि हम गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात को गोल्डन ट्रायंगल बना देंगे, और गोल्डन ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा स्टेप है यह है शबाजपुर पुल। इस प्रोजेक्ट को शुरू तो किया था जब काफ लीग की हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब थे। उसके बाद जब उनकी हुकूमत गई तो फिर जो आगे हुकूमतें आईं उन्होंने इस पर काम रोक दिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पुल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और कनेक्ट हो चुके हैं सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट गुजरात आपस में। और यहाँ की अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की और यहाँ के लोगों की, तो दोनों में एक बात जो है वो मुश्तरक है, और वो है खुशगवार। लोग खुशगवार मूड के हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार। तो जैसे यहाँ पे ये ब्रिज बनने से गोल्डन ट्रायंगल यानी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी बढ़ेगी। इससे पहले एक इंटरटेनमेंट पॉइंट था हेड मराला, वहाँ से लोग मूव हुए और अब आ चुके हैं शबाजपुर पुल पर। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और चूँकि आज संडे है तो इसकी वजह से भी काफ़ी हजूम है। और आज का भी लोग में हमारे साथ हैं जी कामरान जफर और हमारे प्यारे अवैस भाई, और इनसे पूछते हैं इनके क्या रिमार्क्स हैं। जी कामरान भाई, आप बताइएगा। थैंक यू रेप। जिस तरह आपने बात की है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और हैवी वीकेंड संडे है, बहुत ज़्यादा जो है ना विजिटर आए हैं यहाँ पर, तो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं यहाँ पर। और हमारा सबसे जो है ना टूरिस्ट प्लेस सबसे करीबी जो है हमें ये पड़ रहा है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे जानो वो हेड बराला आ चुका है। थैंक यू वैस भाई, आपके रिमार्क्स। हाँ जी, ज़बरदस्त पॉइंट है भाई, ये जो है इधर विज़िट करने के लिए जो है ना अभी नज़दीक हमारे जो यही पॉइंट है, उसको देख के जो है ना इसका नज़ारा देख के बहुत ही जो है दिल को सुकून मिल रहा है, और मौसम भी बहुत प्यारा है, बारिश हुई है और उसकी वजह से ताज़ी हवा आ रही है, और जनाब ये तो हमारे लिए बेहतरीन है, एक सहूलत भी है। एयरपोर्ट नज़दीक हो गया, बिल्कुल 10-15 मिनट में जो है एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, तो अच्छा जनाब। इट्स आल्सो गिफ्ट, गुड गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ दिस एरिया, फॉर द पब्लिक ऑफ दिस एरिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गुजरात जो है वो बाहर है, फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो सेटल है, तो उनको पहले एक लाहौर एयरपोर्ट इंटरनेशनल, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट लगता था, सियालकोट एयरपोर्ट इस प्रोजेक्ट से मज़ीद करीब आ गए। और नज़ारा देखिए, ये है दरियाए चिनाब, पानी की जो रफ़्तार है वो अच्छी खासी तेज़ है, और सामने आपको नज़र आ रही हैं वो पहाड़ियाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ, ये हैं आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियाँ। आज मतलब काफ़ी क्लियर होने की वजह से आपको ये पहाड़ियाँ अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ इन यूजुअल डेज़ ये आपको नज़र नहीं आती। ये जो ऊपर से आपको बड़ा साफ आसमान नज़र आ रहा है, यही खूबसूरती है यहाँ की। हाँ, ये देखें।
और अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं इस रोड पर गुजर होता है तो मदनी क्रीम चाट एंड दही बड़े टेस्ट किया तो टेस्ट के बाद जो है बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। ये एक प्लेट भाईजान कितने की है? 70 रुपये। 70 रुपये का। अब हम टेस्ट करेंगे ये कैसी है। फिलहाल एक प्लेट हमने ली है फॉर टेस्टिंग, तो लो गए हम तीन। गुड नॉट बैड। कैसा टेस्ट है कमरान साहब? अच्छा है। पुदीना यूज़ किया उसने। पुदीना यूज़ किया, हाँ हाँ, क्या बात है। वैसे भाई ठीक है टेस्ट हाल है? हाल है, क्या बात है। जिंदगी का ऐसा है महाराज जी, मेरा जिनी देर तक चले नाम चला। चार रोजा मैच होना टेस्ट। हाँ जी, और आप वापसी पर एक ये डाबा टाइप होटल है जलालपुर जट्टा में, असलम का होटल, और इसके जो चने हैं वो हमें मालूम हुआ है कि बहुत फेमस हैं और बड़े टेस्टी हैं। आप खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जी कितने टेस्टी हैं। नहीं अभी होटल समझने में बढ़ जाता है। आज तेरी गल करानी है दवा जी। क्यों? बहुत ज़्यादा सुपर बेहतरीन। ये हमारे भाई हैं, कॉल पे मशहूर हैं बाहर से, उनको कॉल आई है किसी दोस्त की। और हाँ जी, और फाइनली ये व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुंचा है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा व्लॉग टूर पसंद आया होगा। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।